जिम में मैं जब डेडलिफ्ट कर रहा था तो उस समय बैट बिना लगाए मैं बिना सिक्योरिटी के मैं डेडलिफ्ट किया, जिसके वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। मेरा L5 का जो डिस्क था वो गद्दे से फट के बाहर आ गया, जिसके वजह से मेरा नस जो वहाँ का था वो पूरी तरह से दब गया। नस दबने की वजह से मेरा जो बायां पैर था वो धीरे धीरे करके सुन्न होने लगा। कर्ल में और एंकल में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मैं चल भी नहीं पाता था, बैठ भी नहीं पाता था। सोने के टाइम पे भी मैं कभी कभी रात को अचानक से उठ जाता था दर्द की वजह से। ये पेशेंट मृणाल गुप्ता हमारे पास सीवियर बैक पेन की कंप्लेंट से आए थे। पेन इतना सीवियर था कि ये पिछले 7 दिन से बेड से नहीं उठ पा रहे थे। थोड़ा बहुत पेन जबकि इनको पिछले 3 महीने से था। MRI कराया हमने, उसमें पाया बाएं तरफ की जो पैर की नस थी वो बहुत सीवियरली कंप्रेस थी, और जिसकी वजह से इनको सीवियर रेडिकुलोपैथी पेन बोला जाता है इसको, वो हो रहा था, जिसकी वजह से ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड और सिट इवन। मेदांता में न्यूरोलॉजी डॉक्टर अनूप कुमार ठाकर जी से मिला, उनसे बातचीत हुई मेरी, उन्होंने मेरा पुराना MRI देखा। उसके बाद MRI देखने के बाद उन्होंने मुझे 15 दिनों का दवा दिया। वो बोले कि अगर इन 15 दिनों में आपका ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका सर्जरी होना है। फिर 15 दिन बाद में जब वापस से मिला, मेरा एक दोबारा से लेटेस्ट MRI हुआ जिसमें मेरा घाव बढ़ चुका था, तो उन्होंने मुझे न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रार्थना सक्सेना जी के पास भेजा। मैं उनसे मिला, सर्जरी के लिए बातचीत किया। उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जो हैं आपकी, एक छोटी सी सर्जरी होगी 2 घंटे की, उस सर्जरी में वो जो पार्ट आपका निकला है वो डिस्क काट के निकाल देंगे, जिससे आपको तुरंत आराम हो जाएगा। MRI को देखते हुए ये डिसाइड हुआ कि इनका मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी किया जाए। मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी एक तरह की तकनीक है जिससे कि हम एक छोटा छेद बना करके सिर्फ नस के ऊपर जो दबाव है उसको हटा देते हैं। ये क्योंकि मिनिमली इन्वेजिव होती है, इसमें ज़्यादा टिश्यूज़ को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, टिश्यूज़ को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, मसल के अटैचमेंट को वैसे का वैसा रखा जाता है, तो ये लगभग मिनिमम लगभग पेन फ्री सर्जरी होती है, और कम से कम टिश्यू डिस्टर्बेंस से पोस्ट ऑप पेन कम होता है, और इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पेशेंट इज़ पेन फ्री एंड एबल टू वॉक। तो मैं उनसे पूछा कि इन फ्यूचर मुझे कोई इसका एडवांटेज तो नहीं होगा? तो डॉक्टर बोले नहीं, इसका कोई एडवांटेज नहीं होता है, आजकल सर्जरी जो है बहुत ही सेफली होता है यहाँ पे। तो मेदांता में मैंने इस चीज़ को महसूस किया। मेरा 31st को मैं यहाँ पर आया, और 1 अप्रैल को मेरा सर्जरी हुआ, और आज 3 अप्रैल है, मेरा सर्जरी को 2 दिन हो गए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। एंड नाउ वी आर डिस्चार्जिंग द पेशेंट विद अ वेरी सक्सेसफुल रिजल्ट।